सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज 10 पीसी में जो है दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर को स्टार्टअप मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जब भी आप अपना पीसी टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑन करने के बाद दोस्तों आपको जो है गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ता है। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को स्टार्टअप मेन्यू में ऐड करेंगे तो जब भी आप अपना पीसी लैपटॉप टर्न ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो गूगल क्रोम ब्राउजर है दोस्तों आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम ब्राउजर स्टार्टअप मेन्यू में ऐड करना है। तो इसके लिए दोस्तों ये स्टेप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका गूगल क्रोम ब्राउजर का जो शॉर्टकट है डेस्कटॉप पर ऐड करना है, अगर आपके पास है ठीक है, अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। विंडोज़ की प्रेस कीजिए दोस्तों और गूगल क्रोम टाइप कीजिए और इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों गूगल क्रोम का शॉर्टकट, उस पर राइट क्लिक कीजिए फिर से और सेंड टू पे जाइए और जस्ट डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ये सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद क्लोज कीजिए। इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्रोम का शॉर्टकट है भी डेस्कटॉप पे ऐड हो गया है। इसके बाद ये स्टेप फॉलो कीजिए, विंडोज़ की होल्ड कीजिए और आर प्रेस कीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए दोस्तों शेल कॉलन स्टार्टअप, टाइप करने के बाद एंटर हिट कीजिए और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप गूगल क्रोम के अलावा दोस्तों कोई भी आपका एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो में गूगल क्रोम बताने वाला हूँ। तो जस्ट इसको ड्रैग कीजिए और यहाँ पे इसको ड्रॉप कीजिए, इस तरीके से सिंपल है दोस्तों। करने के बाद आप अपना ये स्टार्टअप का जो मेन्यू है इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद एक बार आप अपना पीसी लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं टर्न ऑफ कीजिए और टर्न ऑन कीजिए। जैसे आप उसको टर्न ऑन करेंगे आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है दोस्तों ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपना पीसी टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करेंगे उसके साथ ही साथ गूगल क्रोम ब्राउज़र भी जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। एक्चुअली वीडियो किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा था तो उम्मीद करना दोस्तों वीडियो सब्सक्राइबर के लिए वर्क करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स है दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे क्या होगा हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।